गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज एट्थ लेक्चर फॉर क्लास 4 एंड 5। इन दिस वी विल लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर माउस। इसमें हम कंप्यूटर माउस के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है बटन्स। सो टुडे ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर माउस हैव एटलीस्ट 2 बटन्स, अ लेफ्ट बटन एंड राइट बटन फॉर क्लिकिंग एंड मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड टेक्स्ट। तो जितने भी कंप्यूटर माउसेस में 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक और दूसरा राइट क्लिक। इनका काम क्या होता है? ओके करना, ऑप्शंस को लाना, पॉपअप मेन्यू को डिस्प्ले करना। इन द पास्ट देयर हैव बीन माउस विथ ओनली 1 बटन। फॉर एग्जांपल, मेनी ऑफ द अर्ली एप्पल कंप्यूटर माउस हैव 1 बटन। तो पहले जो कंप्यूटर्स होते थे उनके माउस में एक ही बटन्स होते थे। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, एप्पल के जो अर्लीस्ट कंप्यूटर्स थे, यानी पुराने कंप्यूटर्स थे अर्लियर के एप्पल के, उनमें उनके माउस में एक ही बटन्स होते थे। नेक्स्ट है हमारा बॉल, जिसको हम लोग लेजर या फिर एलईडी के नाम से भी जानते हैं। अ डेस्कटॉप माउस यूजेस अ बॉल और रोलर। इफ इट्स अ मैकेनिकल माउस और लेजर और एलईडी इफ इट इज एंड ऑप्टिकल माउस। देखिए, एक डेस्कटॉप माउस जो है उसमें रोलर्स का यूज किया जाता है अगर वो मैकेनिकल माउस है तो। लेकिन जब वो ऑप्टिकल, अभी जो हम लोग माउस यूज करते हैं या तो वो हम टच पैड को यूज करते हैं या फिर ऑप्टिकल माउस यूज करते हैं, तो ऑप्टिकल माउस में लेजर का यूज होता है, यानी एक लाइट जल रहा होता है लेजर। दिस कंपोनेंट ट्रैक द मूवमेंट ऑफ माउस ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड मूव द माउस कर्सर ऑन स्क्रीन। तो इनका काम क्या होता है? तो माउस का जो मूवमेंट है उसको ट्रैक करना और कर्सर को स्क्रीन पे मूव करना। नेक्स्ट है हमारा माउस व्हील। सो माउस व्हील के बारे में देखते हैं। टुडेस डेस्कटॉप कंप्यूटर माउस ऑल्सो हैव यूजुअली इंक्लूड अ माउस व्हील दैट अलाउज यू टू स्क्रॉल अप एंड डाउन पेज। तो हमारे कंप्यूटर में एक माउस में, कंप्यूटर माउस में एक इस तरह के आपका इस तरह का एक स्क्रॉलर होता है जिसका काम पेज को अप या डाउन करना होता है। पेज को ऊपर नीचे करने के लिए हम लोग स्क्रॉलर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्किट बोर्ड। सर्किट बोर्ड ये एक बोर्ड होता है, एक किट होता है जो कि माउस के अंदर होता है। सो टू ट्रांसमिट ऑल माउस सिग्नल इंफॉर्मेशन, क्लिक एंड अदर इंफॉर्मेशन, द माउस मस्ट ऑल्सो हैव अ सर्किट बोर्ड विथ इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसी लगे हुए सर्किट बोर्ड माउस के अंदर होते हैं। इनका काम क्या होता है? जब भी हम माउस से कोई कमांड देते हैं, जैसे लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक या फिर पेज अप डाउन के लिए स्क्रॉलर का यूज करते हैं, तो उन इनपुट को कंप्यूटर को देना किसका काम है? हमारे माउस के सर्किट बोर्ड का। नेक्स्ट है हमारा केबल और वायरलेस रिसीवर। तो ये दोनों 2 कंडीशन है, वायरलेस रिसीवर और केबल, दोनों 2 चीज है। अगर हम माउस केबल वाला यूज कर रहे हैं, यानी वायर वाला माउस यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा केबल को हम ज्वाइन करेंगे हम अपने सीपीयू में। और अगर हम वायरलेस माउस यूज कर रहे हैं तो हम माउस के वायरलेस रिसीवर को क्या करेंगे? अपने यूएसबी हब में लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कुछ नोट्स देखते हैं हम। सो फर्स्ट वन इज, इफ यू आर यूजिंग अ लैपटॉप, सम ऑफ द अबव कंपोनेंट मेंशन अर्लियर आर नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो पिछले जो कुछ लिखे गए हैं यहाँ पे, जैसे स्क्रॉलर, सर्किट बोर्ड, तो केबल, तो इन सब की हमें जरूरत नहीं होगी। क्यों? तो टच पैड डज नॉट यूज अ बॉल। तो टच पैड होता है हमारे लैपटॉप में, जो माउस होता है वो टच पैड होता है और वो क्या करता है? बॉल का यूज नहीं करता है, लेजर का यूज नहीं करता है, ना ही इसमें एलईडी होता है उसके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। सिर्फ हम क्या करते हैं? अपने फिंगर को रब करते हैं, अपने फिंगर का मूवमेंट देते हैं टच पैड के ऊपर। सेकेंड है हमारा स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स यूज अ टच स्क्रीन एज देयर प्राइमरी इनपुट डिवाइस एंड देयरफॉर योर फिंगर इज द माउस ऑन दिस डिवाइस। तो स्मार्टफोन और टैबलेट्स में हम टच स्क्रीन का यूज करते हैं, तो इसीलिए हम यहां पे माउस का काम किससे ले रहे हैं? तो अपने फिंगर से, अपनी उंगली से। बाय डिफॉल्ट अ कंप्यूटर माउस इज सेट अप टू बी यूज विथ योर राइट हैंड। देखिए, अगर बाय डिफॉल्ट हम देखें तो कंप्यूटर माउस हमेशा यूज किस हाथ से हम करते हैं? अपने दाहिने हाथ से करते हैं। हाउएवर, यू इफ यू आर लेफ्ट हैंडेड, इट कैन बी सेट अप टू बी यूज विथ योर लेफ्ट हैंड। लेकिन अगर हम अपना जो भी काम है बाएं हाथ से करते हैं, लेफ्ट हैंडेड है, तो हम इसे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम लोग इसे यूज भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन टुडे वीडियो। आई होप यू आर ऑल फाइन। सो स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू।